फाइनली गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को बाबा भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि ये है एंट्रेंस गेट मेन गेट का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो गाइस यार आज हम लोग जा रहे हैं गिरड, और गिरड एक ऐसी जगह है जो महाराष्ट्र में वर्धा जिले में आती है, और वर्धा जिले से वो 59 किलोमीटर की दूरी पर आती है गाइस। और अभी आज है 6 अगस्त, और अभी मोहरम का टाइम चल रहा है गाइस। तो मोहरम के टाइम में वहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, और एक्चुअली वहाँ पे शेख बाबा फरीद जी का दरगाह है, तो बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, और वो जगह भी बहुत खूबसूरत है गाइस। और वहाँ पे आज के टाइम में, मोहरम के टाइम में, वहाँ पे बहुत से बाबा लोग भी आते हैं, जो कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि बाबा लोग क्या होते हैं, जिनके आंग में आते हैं, और वो लोग वहाँ पे आते हैं, वो देखने में बहुत मजा आएगा गाइस। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना, और आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि बाबा लोग कैसे होते हैं, तो वो भी आप लोगों को देखने मिलने वाला है आज के व्लॉग में। और बाकी गिरड भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गिरड भी बहुत खूबसूरत जगह है गाइस। तो आज हम ऑन द वे है, और अभी यहाँ से जाते गाइस। और हमारे साथ आज आ रहे भाई, हम लोग, हमारे भाई लोग संकेत भाई, प्रथम भाई और राहुल भाई भी है हमारे साथ, और हम लोग आज जा रहे गाइस गिरड, और देखते गाइस जाके वहाँ पे क्या होता है, मजा आने वाला है। आप लोग भी देखो और बाबा लोग को भी इंजॉय करो। एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं आज गिरड गाइस, तो चलते है और मिलते हैं गिरड में। तब तक के स्टे ट्यून। अब तो आ रहा सदा सा रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। तो गाइस शेख फरीद बाबा जी का दरगाह पहाड़ के सबसे ऊंचाई पर, चोटी पर है, और अभी हम लोग पहाड़ के आधे में हैं अभी यहाँ पे चढ़े हुए। हम लोग इधर से रास्ता देख सकते हैं गाइस, ये रास्ता चढ़ के हम पहाड़ पे आधे इस पे पहाड़ पे आए, और पीछे इधर देख सकते हैं गाइस, पीछे पूरा गाँव है, ये गिरड गाँव है, और ये पहाड़ के ऊपर अभी हमें और ऊपर चढ़ना है यहाँ से। फाइनली गाइज हम लोग अभी है गिरड, और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि ये है एंट्रेंस गेट मेन गिरड का, यहाँ से लोग एंटर होते हैं, और बाहर के साइड में कुछ दुकानें लगी है जहाँ पे कुछ सामान वगैरह मिलता है पूजा का। पीछे से देख रहे होंगे गाइज कि लोग एंटर हो रहे हैं वहाँ से, और अंदर, ये अंदर का साइड इस तरह से, तो शेख फरीद बाबा का वहाँ पे मेन दरगाह है, वहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते हैं, और इधर साइड पे पूरा बाकी एरिया है ओपन प्लेस, और इधर भी कुछ दुकानें वगैरह लगी है अंदर में। और आज पब्लिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोहरम का टाइम चल रहा है गाइस, तो मोहरम के टाइम में पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये मोहरम का टाइम बहुत पवित्र टाइम माना जाता है, तो गाइस यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहेंगे कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है आज। खास बात यह है कि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, देख सकते हैं गाइस, मंकीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इधर में, पीछे साइड में भी, और इधर टैंक पर भी बैठे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर बंदर यहाँ पर बैठ के रहते हैं, हम लोग उनको चना वगैरह खिलाते हैं, तो वो लोग आते हैं हमारे पास, और हमारे हाथ में रखे हुए चने वगैरह खा लेते हैं, और हमारे पास कुछ सामान वगैरह रहा तो कभी कभी वो भी लेकर भाग जाते हैं। तो कभी आओ तो भी केयरफुल, इनसे थोड़ा बच के रहो। अब तो आ रहा सदा सा रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सदा सा जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को बाबा भी देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे गिरड में, तो अभी सामने में कुछ बाबा लोग हैं, तो चलो गाइस देखते हैं उनको। पब्लिक देखो गाइस, बहुत पब्लिक है इधर में।
भी भाव वगैरह देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा है शायद। तो अभी हम लोगों को लगी है बहुत जोरों से प्यास गाइस, तो हम लोग अभी जा रहे हैं पानी का जुगाड़ करने और अभी पानी वानी पी लेंगे गाइस और बाकी का सीन बाद में सीन शूट करेंगे। गाइज हम लोगों ने पूरा गिरड़ एक्सप्लोर कर लिया है और जो सबसे खूबसूरत चीज मेरे को लगी है यहाँ की वो है, जरा इधर देखो, इधर साइड से पूरा नीचे का व्यू दिख रहा है। ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई है लोगों ने। अभी मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून के सीजन में देखो गाइज इस तरह से पीछे का व्यू वगैरह है। आई होप गाइज कि आप लोगों ने गिरड़ एक्सप्लोर किया होगा पूरा मेरे साथ। अगर आपको कभी विजिट करना है तो मोहरम में विजिट करो, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मोहरम के टाइम में यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक होती है और रश होता है तो अच्छा लगता है, और मॉनसून के टाइम में मोहरम आता है तो और भी अच्छा लगता है, यहाँ पे हरियाली होती है हर तरफ। तो इसी तरह गाइज हम लोग अभी ब्लॉग को एंड करते हैं और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। करना अहंकार बार बार देना।